आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी, सभी बच्चों का फेवरेट मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम सिंपल तरीके से आप घर पर ही डोमिनो स्टाइल पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें 2 कप मैं मैदा डाल रही हूँ। आप चाहें तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा बनेंगे एकदम मार्केट स्टाइल। आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल लेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेंगे। अब 1 चम्मच मैं यहाँ बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही साथ हम आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल लेंगे। और जहाँ हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है वहीं हम दही डाल देंगे। 4 से 5 चम्मच मैं दही ले रही हूँ, ये खट्टा दही होना चाहिए, 2 से 3 दिन पुराना भी चलेगा। अब 1 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 मिनट बाद आप देखेंगे बबल्स बन रहे हैं इसमें, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम आटा लगाएंगे, पहले हम दही में ही आटा लगाएंगे। 1 से 2 चम्मच मैं दही और डाल लेती हूँ इसमें, तो टोटल मैंने 1/2 कप यहाँ दही ली है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा लगाएंगे। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है, जितने पानी की ज़रूरत हो हम उतना ही लेंगे। एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है। तो ये देखिए मैंने सॉफ्ट आटा लगा लिया है। थोड़ा सा तेल लेंगे जिससे हाथों पर आटा चिपकेगा नहीं, तो इसे 2 से 3 मिनट मसल लेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसलना है। आप किचन काउंटर पर इसे ऐसे खींच खींच के अच्छे से 2 से 3 मिनट मसल लीजिए, जिससे इसमें खिंचाव होना चाहिए। खिंचाव अगर होगा आटे में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे। ये मसल लिया है, हल्का सा तेल लगाकर हम इसे 1/2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा और थोड़ा सा आटा फूल जाएगा। 1/2 घंटा हो गया है, चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से 3 मिनट हम और मसल लेंगे और इसमें से हम लोइया तोड़ लेंगे। तो 1 लोई लेंगे और उस पर सूखा मैदा डालेंगे। आप चाहें तो मक्के का आटा भी ले सकते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे फैला लेते हैं, जैसे पूरी बेलते हैं एकदम ऐसे बेलना है इतना बड़ा, लेकिन जितना पराठे के लिए हम आटा लेते हैं इतना आटा लेंगे हम। इसे हम मोटा ही रखेंगे, बस इतना ही बेलेंगे और इसको थोड़ा सा मोटा रखेंगे, पराठे से थोड़ा सा मोटा। देखिए ऐसे, क्योंकि थोड़ा सा मोटा, आपने देखा होगा पिज़्ज़ा बेस थोड़ा मोटा होता है। अब बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे, 1/2 इंच छोड़कर हम इसमें जगह बना लेंगे। किनारे मोटे होने चाहिए, बीच में से थोड़ा पतला। अब जहां हमने ये पतला किया है वहां हम एक फोक की सहायता से इसमें प्रिक कर देंगे, यानी कि होल्स बना लेंगे, जिससे बीच में से ये ज़्यादा नहीं फूलेगा और दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। तो सारे ही हम ऐसे बेल कर तैयार कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे, पास से मैं दिखा रही हूँ, एकदम ऐसे ही हम इसे बेल लेंगे। एक और बेल के दिखा रही हूँ, पूरी जितना बेलना है और थोड़ा मोटा रखेंगे। बीच में हल्की सी जगह बनाएंगे हम, और जहाँ हमने जगह बनाई है वहाँ हम फोक की सहायता से प्रिक कर लेंगे, जिससे ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। क्योंकि हम इसे तवे पर बनाने वाले हैं, किसी ओवन में नहीं बनाने वाले हैं, तो इसलिए तवे पर अगर हम बनाएंगे तो ये दोनों तरफ से पक जाएगा अगर ऐसे होल करेंगे हम। तो सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं मैंने, देखिए सारे में हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। करीब करीब 2 कप में 7 पिज़्ज़ा बनकर तैयार होंगे। अब मैंने तवा गरम कर लिया है, तवे को बिल्कुल लो फ्लेम पर गरम करना है, गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और जिस तरफ हमने प्रिक किया है उस तरफ से हम तवे पर इसे डाल देंगे, सेक लेंगे इसे अच्छे से। तो चारों ही मैंने लगा दिए हैं, और ध्यान रहे जिस तरफ से हमने प्रिक किया है उस तरफ से ही डालना है। अब हल्का हल्का कलर आने देंगे ऊपर, जब आप देखेंगे कि जब ये सिक जाएगा नीचे से तो ऊपर हल्का हल्का कलर आ जाएगा। देखिए हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है और इसमें हल्के हल्के स्पॉट भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, दोनों तरफ से नहीं सेकना है, एक तरफ से ही हम इनको सेक लेंगे। तो निकाल लेते हैं, बिल्कुल इतना ही सेकना, ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने अच्छे से सेक लिए हैं। अब हम इस पे सॉस लगा देंगे। तो यहाँ मैंने
तीन से चार चम्मच पिज़्ज़ा सॉस लिया है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे बनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इससे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लीजिए। फैला लेंगे इसे अच्छे से, देखिए पिज़्ज़ा सॉस मैंने फैला लिया है। अब यहाँ टोमेटो केचप डाल रहे हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो इसे भी हम फैला लेते हैं अच्छे से। अब मैंने यहाँ मोज़रेला चीज़ लिया है, चीज़ से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हर बच्चे का फेवरेट होता है, तो चीज़ हम खूब सारा डालेंगे। देखिए चीज़ मैंने डाल दिया है, अब हम इसमें टॉपिंग्स रखेंगे। तो कुछ मैंने वेजिटेबल ली हैं, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो या जो भी आपके पास हो आप वो इस पर डाल दीजिए। तो यहाँ मैंने लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, थोड़े से कॉर्न लिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ प्याज लिए हैं, तो डाल देते हैं। अच्छे से टॉपिंग्स तैयार कर ली है मैंने और थोड़ा सा चीज़ हम और डाल देंगे। देखिए सारे ही मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हम इस पर ऑरेगानो डाल देंगे, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग या मिक्स हर्ब हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ नमक मैंने नहीं डाला है क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक है, आटे में भी नमक है और जो हमने चीज़ डाला है उसमें भी नमक है, तो इसके अलावा हमने नमक नहीं डाला है। अब इसे हम सेक लेते हैं। तो तवा मैंने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा हम तेल डाल लेंगे, ग्रीस कर लेंगे अच्छे से और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और पिज़्ज़ा हम रख लेते हैं और साइड में जो किनारे बच गए हैं उन पर हम तेल लगा लेते हैं, जिससे बहुत ही प्यारा कलर भी आएगा और अच्छे से ये सिक जाएंगे। तो अब हम इसे ढक कर करीब करीब 4 से 5 मिनट के लिए सेक लेते हैं और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। आप एक बार 3 मिनट के बाद ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि सभी के गैस का बर्नर थोड़ा कम या ज़्यादा होता है। तो 4 से 5 मिनट हो गई हैं, देखिए ये अच्छे से बन गया है और अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है। देखिए पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर भी लग रहा है देखने में और खाने में एकदम सुपर डिलीशियस है। तो निकाल लेते हैं सारे ही पिज़्ज़ा हम, ये लीजिए मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे खाने में। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, आप भी अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बना सकते हैं और दोनों तरफ से एकदम अच्छे से ये सेक लिए हैं, अच्छे से जैसे ओवन में बेक होते हैं एकदम ऐसे तवे पर ही हमने इसे बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो ढेर सारी लाइक कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।